नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लखीमपुर खीरी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी योगी सरकार को घेरने में जुटे हैं। वहीं इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया और योगी सरकार से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने सरकार से 24 घंटे यानी शुक्रवार तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस पर शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई है, कितने आरोपी हैं, इन सब पर जानकारियों के साथ वो रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने सरकार को ये भी आदेश दिया कि मृत किसान लवप्रीत सिंह की मां के इलाज के लिए हर संभव मदद दी जाए। बेटे की मौत की खबर सुनकर मां को गहरा झटका लगा था, तब से वो बीमार हैं। कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से पेश गरिमा प्रसाद ने कहा कि सरकार ने FIR दर्ज कर ली है। इसके अलावा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में जांच टीम बना दी गई है। दरअसल इस मामले को लेकर वकीलों ने CJI को चिट्ठी लिखी थी। सुनवाई शुरू होने पर मामले में चिट्ठी डालने वाले वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में कहा कि लखीमपुर खीरी घटना में कई किसान मारे गए हैं, ये प्रशासन की लापरवाही से हुआ है, अदालत इस मामले में उचित कार्यवाही करे। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट हमारे लेटर को गंभीरता से लेगी और दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगी। ये मानवाधिकार उल्लंघन का मामला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।